8 अप्रैल को देर रात आईएमए के पास एक तेज रफ्तार कार ने एक बाइक सवार को टक्कर मार दी थी, जिसमें बाइक सवार युवक की मौके पर ही मौत हो गई थी। इस दुर्घटना के बाद ये बात सामने आ रही थी कि कार चालक की लापरवाही से यह हादसा हुआ, लेकिन इस मामले में मृतक युवक बिहार का रहने वाला था और मजदूरी का काम करता था, और यहाँ पर उसकी मौत पर एफआईआर दर्ज करवाने वाला भी कोई नहीं था। अब डीजी लॉ एंड ऑर्डर अशोक कुमार ने एसएसपी देहरादून को तत्काल इस मामले में एफआईआर दर्ज करवाने के निर्देश दिए हैं। साथ ही उन्होंने बताया कि जहां कोई भी बड़ा अपराध होता है उसकी एफआईआर दर्ज करने वाला कोई न मिले तो पुलिस खुद इस मामले में एफआईआर दर्ज करे। नहीं, हमने एफआईआर करने के निर्देश दिए हैं, क्योंकि अगर वादी मृतक की ओर से विक्टिम की ओर से कोई नहीं एफआईआर करा रहा तो पुलिस एफआईआर करेगी, तो हमने ऐसे निर्देश एसएसपी को देहरादून को देते हैं। बिल्कुल लेना चाहिए, पहले ही इसमें तो पहले भी लेती रही है। अगर कोई कॉग्निजेबल क्राइम हुआ है हमारे हमें पता है ओपनली, और अगर उसका कोई कंप्लेनेंट नहीं है तो पुलिस उस कंप्लेंट को लिखवा सकती है। संवाद 365 के लिए देहरादून से कैमरामैन दिनेश कुमार के साथ काजल की रिपोर्ट।